उत्तर प्रदेश में हलाल प्रोडक्ट पर बैन लगाने के बाद हर जिले में FSDA की टीमें कर रही है छापामारी, हो रही है सामान की चीजों की जब्तियां। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सप्ताह भर पहले उत्तर प्रदेश में फर्जी और अवैध हलाल सर्टिफिकेट पर प्रोडक्ट बेचने वाली 8 एजेंसियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी और इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया था। हलाल प्रोडक्ट्स यानी इनका निर्माण करना, प्रोडक्शन, इनका स्टोरेज, जमा करना, बेचना, वितरण करना आदि सभी हलाल प्रोडक्ट की इस बिक्री प्रणाली पर सरकार ने पाबंदी लगा दी, बैन लगा दिया। बैन लगाने के बाद अब फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स अथॉरिटी FSDA विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के हर जिले में लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, अयोध्या, गोरखपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, इटावा, औरैया, रायबरेली ऐसे सभी जिलों में FSDA की टीमों द्वारा छापामारी की जा रही है। जहां कहीं भी हलाल प्रोडक्ट पाए जा रहे हैं उनको जब्त किया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। हलाल प्रोडक्ट पर बैन लगने का भारत का पहला उदाहरण है, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया है। कुल मिलाकर के पहले से ही हिंदूवादी संगठनों द्वारा हलाल प्रोडक्ट बैन करने की मांग की जा रही थी कि हलाल सर्टिफिकेट के साथ जो भी चाय, कॉफी, खान पान की चीजें, जूस है, शरीर पर इस्तेमाल किए जाने वाली चीजें, कॉस्मेटिक्स वगैरह में, ये तमाम चीजों में ये जो हलाल सर्टिफिकेट है उसे निरस्त कर दिया जाए, उसे बैन कर दिया जाए। अब उत्तर प्रदेश में 8 एजेंसियों के खिलाफ फर्जी और अवैध हलाल सर्टिफिकेट इस्तेमाल करने के चलते जिन 8 एजेंसियों के खिलाफ ये FIR हुई है उसके बाद इस कार्रवाई का स्वरूप जो है वो काफी व्यापक कर दिया गया है, काफी बृहद कर दिया गया है। हर जिले में FSDA की टीमें छापामारी कर रही है। किस तरीके से छापामारी और जब्ती हो रही है उसके तमाम वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें सरकारी अधिकारियों का, FSDA के जो अधिकारी है वो क्या जानकारी दे रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये हलाल बैन का मामला उत्तर प्रदेश से अब कौन कौन से राज्य में फैलता है, कहां कहां हलाल प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगाने की वहां वहां की राज्य सरकारें जो है वो कदम उठाती है ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर जहां तक हलाल प्रोडक्ट जिसमें खास करके मुस्लिम समाज द्वारा ज्यादातर हलाल सर्टिफाइड चीजें, मटन, चिकन, ऐसी तमाम खाने की जो चीजें हैं उसमें चाय, कॉफी, जूस वगैरह हैं, तो इनमें हलाल सर्टिफिकेट पहले देखा जा रहा है। हलाल है तो ही मुस्लिम उसे स्वीकारता है, हलाल नहीं है तो मुस्लिम वो ले नहीं सकता, क्योंकि ये धार्मिक आस्था की और धर्म से जुड़ी हुई बात है। इस वजह से मुस्लिम हलाल प्रोडक्ट का फॉलो करता है, उसका अनुनय करता है। मगर इसका विरोध भी अब देश में चौतरफा हो रहा है जिसकी परिणति उत्तर प्रदेश से देखने मिल रही है। हलाल प्रोडक्ट पर बैन के बाद अब हलाल प्रोडक्ट कहां कहां है उसकी छापेमारी की ये शुरुआत यही बताती है। क्या कुछ किया गया है और क्या कुछ जांचा गया है? देखिए, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को घरेलू बाजार में बिक्री से रोक लगाई गई है। इसी क्रम में हमारी 6 टीमें जनपद में भ्रमणशील हैं और यह तलाश की जा रही है कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट मार्केट में बिक तो नहीं रहा है। फिलहाल हम लोगों ने कल भी छापेमारी की थी कई स्थानों पर,
और आज भी हमारी 6 टीमें भ्रमणशील हैं। फिलहाल अभी तक कहीं से सूचना नहीं मिली है कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट किसी को बरामद हुआ, जैसे कुछ मिलता है तो उसका हम लोग सैंपलिंग करके सीजर करेंगे। सभी हलाल प्रोडक्ट जिसपे सर्टिफिकेशन, जिसपे भी सर्टिफिकेट, जिसपे खाद्य पदार्थ, हम लोग चूंकि फूड सेफ्टी के ऑफिसर हैं इसलिए खाद्य पदार्थ के लिए ही अधिकृत। अच्छा, जैसे नॉनवेज आइटम, रॉ फूड नॉनवेज बात की जाए, मटन चिकन जो रॉ होता है, जी जी जी, रेडी टू ईट जो है, एक रेडी टू ईट होता है और जो शॉप्स मिलता है, नहीं शॉप्स पे जो मिलना है वो उस पे नहीं है, जिन पैकेट लेवल पे जिनके हलाल सर्टिफिकेशन पैकेज फूड है जो उनका किया जाना है। अच्छा, क्या इसमें गाइडलाइन दी गई क्या हलाल के ऊपर या उन कंपनीज के ऊपर बाद में देखा जाएगा? उस पे पुलिस कार्रवाई कर रही है, उस पे हमारा कोई हमारा बिक्री ना होने पाए, खुद खाद्य पदार्थों की बिक्री, ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री ना होने पाए जनपद में, हमारी जिम्मेदारी है।